नमस्कार साथियों, मैं अनुज तिवारी आपका अपने YouTube चैनल एग्री न्यू लाइट क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन्स। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट टाइप, होम और किचन और न्यूट्रिशनल गार्डन। दोस्तों, जब हम अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब्जियों की खेती करते हैं तो इसे होम और किचन गार्डन कहा जाता है। जनरली यह हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर होता है। इसे करने के लिए 250 स्क्वायर मीटर जगह की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट टाइप की बात करें, मार्केट गार्डन। मार्केट गार्डन मोस्टली सिचुएटेड नियर बिग सिटीज, इंटेंसिव कल्टीवेशन इज फॉलोड। दोस्तों, ज़्यादातर यह बड़े शहरों के नज़दीक होता है। इसमें ऐसा देखा जाता है कि सघन खेती को अपनाया जाता है। मेनी क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली। इसमें फसलों को एक अंतर के बाद उगाया जाता है। जैसे एक पर्टिकुलर प्लेस पे आपने धनिया की खेती की, कुछ दिन बाद नए प्लॉट में आपने एक खेती की, तो इससे आपका जो मार्केट का शेड्यूल है उसमें आप ईयर राउंड वेजिटेबल प्रोडक्शन करते रहेंगे और लाभ कमाते रहेंगे, और इससे आपका वेजिटेबल रेगुलरिटी से मार्केट में पहुंचता रहेगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक साथ कई सारी वेजिटेबल्स को उगाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, ट्रक गार्डन। ट्रक गार्डन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन इज फॉलोड, वन आर टू क्रॉप्स आर ग्रोन। दोस्तों, ट्रक गार्डन, इसका तात्पर्य ट्रक गार्डन में बेसिकली ये होता है कि इसमें एक या दो फसलों को उगाया जाता है और फसलों को लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने प्याज की खेती की, अब आपके पास 20 कुंटल प्याज है, आपको कहीं पे भेजना है तो आप ट्रक के माध्यम से कहीं पे भी भेज सकते हैं। जैसे आलू की खेती हो गई, आलू को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये ट्रक गार्डन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टाइप की बात करें, प्रोसेसिंग वेजिटेबल गार्डन। इसकी बात करें तो स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस आर फॉलोड, मेनली ग्रोन ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस। दोस्तों, इस प्रकार के गार्डन में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके इसे उगाया जाता है। सामान्यतः इसमें क्या होता है कि ये जो गार्डन होते हैं ये कॉन्टैक्ट बेसिस पे होते हैं। जैसे आप आजकल देखते होंगे आप लोग कि जैसे पपीते की कॉन्टैक्ट फार्मिंग होती है, जिसमें कि ताइमान रेड लेडी 786 पपीते की एक वेराइटी है जिसको कॉन्टैक्ट फार्मिंग किया जाता है। जैसे आप पॉली हाउस में देख रहे हैं, खीरा उगाया जा रहा है कॉन्टैक्ट बेसिस पे। तो ये सारे एग्जांपल हो गए प्रोसेसिंग गार्डन, प्रोसेसिंग वेजिटेबल गार्डन के। नेक्स्ट, वेजिटेबल फोर्सिंग और कंट्रोल इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर। इंटेंसिव कल्टीवेशन इज फॉलोड, वेरी स्मॉल एरिया इज यूज्ड। दोस्तों, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऐसी बेमौसमी सब्जियों को उगाया जाता है, जैसे ठंडे प्रदेशों की सब्जियां गर्म प्रदेश में उगाई जाए। इसमें पॉली हाउस का उपयोग किया जाता है, लैथ हाउस, ग्रीन हाउस का उपयोग करते हैं। इसमें सघन खेती की जाती है और इस खेती को करने के लिए कम से कम एरिया की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन। मेनली फाउंड इन जम्मू कश्मीर, सैलोड रूटेड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। दोस्तों, इस प्रकार का गार्डन का एग्जांपल आप जम्मू कश्मीर के डल लेक में देख सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, कई सारे लोग अपने नावों पर सब्जियों को लेकर बेच रहे हैं। फ्लोटिंग गार्डन मीन्स तैरता हुआ वेजिटेबल गार्डन। यह इमेज आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि बहुत सारे लोग अपने वेजिटेबल्स को सेल करने के लिए डल लेक में आए हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें सैलो रूटेड वेजिटेबल्स को उगाया जाता है, जैसे जो जिनकी जड़ें छिछली होती हैं, जैसे कि प्याज हो गया,
सेलरी हो गया, धनिया हो गया, पालक हो गया, ऐसी वेजिटेबल्स को उगाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों। रूफ गार्डन, फ्रेश लीफ वेजिटेबल्स आर ग्रोन। दोस्तों, छतों के ऊपर कंटेनर या छोटे गमलों में लीफी वेजिटेबल्स को उगाया जाता है, इसे रूफ गार्डन कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।